डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ फ्रॉम विद्यासागर कोचिंग क्लासेस वर्धा। सो स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज वी हैव स्टडीड अबाउट द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट वी हैव सीन देयर आर मेन एसेसरी वर्ल्ड्स आर एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज वी हैव स्टडीड अबाउट वॉट इज एंड्रोशियम। The singular of androecium is called a stamen. Stamen is made up of two part, that is filament and anther. This anther, when it is when the TS of this anther is taken, either it is a two lobe or one lobe. अगर one lobe है तो दो chamber रहेंगे, two lobe है तो four chamber रहेंगे। एंथर लोब में ये जो फोर चेंबर है इसके अंदर में हमने देखा क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, दैट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन, एंड दिस पोलन ग्रेन कंटेन अ मेल गैमेट्स। सो वी हैव सीन ऑल द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे एंथर लोब के कितने पार्ट्स है, उसके लेयर्स हमने देखे, टैपेटम देखा जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोलन मदर सेल देखे जो 2n नंबर में होते हैं, दे डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म अ फोर पोलन ग्रेन्स विच इज़ अ हैप्लॉइड इन नंबर, जिसको हमने कहा माइक्रोस्पोर। ओके, दिस माइक्रोस्पोर जब प्री पॉलिनेशन में जर्मिनेट होता है तो हमने देखा कि एक जनरेटिव सेल होता है और दूसरा ट्यूब सेल होता है। ओके, फिर हमने देखा कि ये जो जनरेटिव सेल्स है, ओके, सो ये जो जनरेटिव सेल है, अगर हम बिफोर पॉलिनेशन कहते हैं तो बिफोर पॉलिनेशन इट इज़ ऑफ टू सेल स्टेज, ठीक है, जिसमें एक जनरेटिव है और एक ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल यानी वेजिटेटिव सेल। इसके बाद में हमने देखा कि आफ्टर पॉलिनेशन दिस जनरेटिव सेल इज़ डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड माइटोटिकली इंटू टू मेल गैमेट्स। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड अ थ्री स्टेज सेल। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है ऑन द स्टिग्मा। ओके, अब हम इस पार्ट को यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम डाइवर्ट होते हैं टूवर्ड्स अ फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ दिस इन दिस फीमेल गैमेटोफाइट हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी होगी। सबसे पहले हमें देखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, दैट इज गाइनेशियम। गाइनेशियम का इंडिविजुअल है कार्पेल। कार्पेल के अंदर में जैसे हमने कहा कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर में प्रेजेंट है ओव्यूल। ओके, एंड देन ओव्यूल के अंदर में कैसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, दैट वी हैव टू स्टडी। दैट्स व्हाई हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, सेकेंड है वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, वी एस स्टैंड फॉर वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक चीज़ और, देर आर टू टाइप ऑफ द सेक्शन कटिंग, वन इज कॉल्ड TS। ओके, TS यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, जो हम मिडल से कट करने पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई स्टेम का पार्ट है, ठीक है, अगर स्टेम के पार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ओके, और ये स्टेम का अगर हिस्सा है और इसे हम इस तरीके से कट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल सेक्शन और लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो हमें क्या पढ़ना है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ओव्यूल। सो स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट वी हैव टू स्टडी इन अवर टुडे लेक्चर। नाउ सी हियर, नाउ दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। किसका स्ट्रक्चर है? कार्पेल। फिर समझाते हैं, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड अ गाइनेशियम, ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ गाइनेशियम इज कॉल्ड अ कार्पेल, ठीक है। कार्पेल को दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड अ मेगा स्पोरोफिल। ओके,
पोलन ग्रेन को हम जो कहते हैं दैट इज़ माइक्रोस्पोरोफिल, उसी प्रकार से हम कार्पेल को कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। दिस कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके स्टिक होते हैं, इसीलिए इसका नाम गिरा स्टिग्मा। जो लॉन्ग ट्यूब है जहाँ पे पोलन ट्यूब डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड अ स्टाइल। ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्टाइल। एंड दिस बल्जिंग पोर्शन वेयर द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड अ ओवरी, दैट इज कॉल्ड अ ओवरी। सो गायनेशियम और कार्पेल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फॉलोड बाय दिस ओवरी कंटेंट्स अ स्मॉल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड अ ओव्यूल, और ओव्यूल को ही हम कहते हैं मेगा स्पोरो स्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। नाउ इन दिस ओव्यूल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मेगास्पोर मदर सेल। जैसे पोलन में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, वैसे ही जो ये गायनेशियम है या फिर हम बोलेंगे ओव्यूल है, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मदर सेल जो है वो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो, ये हमेशा कौन से रहेंगे, दे विल ऑलवेज बी 2N, हमेशा कौन से रहेंगे, दे विल 2N। ओके, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल मल्टीप्लाई हुए थे और उन्होंने पोलन बनाए थे जो हैप्लॉइड थे, वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल मल्टीप्लाई हो गए एंड दे विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट विच इज़ अ हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, सो दिस वी आर हैव टू स्टडी नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, गायनेशियम, गायनेशियम के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओके, तो ये एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, विच इज कॉल्ड अ ओव्यूल। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल। ये एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ अ एंड्रो फर्स्ट टाइप ऑफ द ओव्यूल। ये कौन सा है, इट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, हम आगे देखेंगे ओव्यूल के टाइप। सो आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को जब डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम समझ लीजिए कि 5 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, सिर्फ अगर ये लेबल डायग्राम निकालने के लिए आएगा, यही वाला, बस ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, यहाँ का लेबल डायग्राम निकालने के लिए अगर आएगा तो दैट विल बी ऑफ फॉर 3 मार्क्स। या तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विथ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, तब भी आपका आंसर जो है यही रहेगा। इस डायग्राम के साथ में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। ओके, तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे बन गया ये डायग्राम के साथ में। चलो 5 मार्क्स के लिए हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ओव्यूल, ये दिख रहा है हमें पार्ट, दिस इज़ अ ओव्यूल एक्चुअली। ठीक है, और ये जो है ये आप समझ लीजिए कि ये फ्यूनिकल है, एक अटैचमेंट है जिससे ओव्यूल अटैच होता है। ओके, तो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, इसीलिए इसका जो फ्यूनिकल है इस साइड पे है और ओव्यूल बेंड टाइप है। तो ओव्यूल विच हैज़ अ बेंड एक्सिस एंड डाउनवर्ड डाउनवर्डली डायरेक्टेड, तो इसको कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। जनरली अगर जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखेंगे ना, तो उसमें ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल है। अब इसके मेन पार्ट कौन से हैं, तो मेन पार्ट है इसके, फर्स्ट इज दिस, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हम इसको कहेंगे स्टॉक, और इस कंप्लीट इसको कहेंगे हम बॉडी। ठीक है, स्टॉक हमेशा किसका बना रहेगा, फ्यूनिक्यूलस, यानी ये फ्यूनिक्यूलस से जो ओवरी वॉल है उस पर अटैच होता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को हम कहेंगे फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल। ओके, और बाकी ये जो है दैट इज कॉल्ड अ बॉडी,
ये फ्यूनिकल जो है दैट अटैचेस ओव्यूल टू द प्लासेंटा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्लासेंटा रहेगा और इस प्लासेंटा, ये प्लासेंटा किसको अटैच रहेगा, ओवरी वॉल को अटैच रहेगा. यस, आर यू गेटिंग? सो दिस इज अ स्मॉल स्टॉक विथ विच दिस ओव्यूल इज अटैच टू द प्लासेंटा, इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल. ओके, और फ्यूनिकुलस. Then, the major part of this attached to the body of ovule, forming a ridge which is called a raphe. अब आप देखो कि हम देख रहे हैं कि इतना सा ही portion open है और यहाँ पर तो ये placenta से attach है, ठीक है, लेकिन अगर हम ये हिस्सा देखते हैं, अगर हम इसे ovule consider करते हैं ये हिस्से को, तो हम देख रहे हैं कि इतना जो 3/4 हिस्सा है, जो ये 3/4 हिस्सा है जो ओव्यूल से बिल्कुल स्टिक होके है, इसे हम क्या कहेंगे, राफे. ओके, राफे यानी क्या, द पार्ट विच इज अटैच टू द ओव्यूल विद द रीज इज कॉल्ड अ राफे. ओके, सेम दैट इज अ फ्यूनिक्यूलस वेयर द स्मॉल स्टॉक विच इज अटैच टू द प्लासेंटा. देन वी हैव सीन the raphe. Raphe means the part of funiculus which is attached to the ovule. Okay, now ये जो देख रहे हैं हम, ये total that is ovule. Okay, लेकिन ये ovule हम देख रहे हैं कि एक point पे funiculus से attach है, तो ये जो point है जहाँ पे ये funiculus से attach है उसे हमने क्या कहा, hilum. That point is called a hilum. And rest of this body of the ovule is, it consists of 5 parts. ठीक है, अ बॉडी ऑफ ओवल 5 parts से बनी हुई है. पहला है ये मिडल वाला हिस्सा, ठीक है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड अ न्यूसेलस. ओके, दिस इज कॉल्ड अ न्यूसेलस. नेक्स्ट है ये वाला हिस्सा जो बैक में है, दैट इज कॉल्ड चालजा. ओके, दैट इज कॉल्ड अ चालजा. देन दिस टू लेयर, this two layer is called a integuments. This two layer is called a integuments. Fourth is, this opening is called a micropyl. This opening is called a micropyl, जो pollen tube के entry के लिए काम आती है. Okay, and this is a main portion of the ovule which is called a embryo or embryo sac, जिसके अंदर में हमें एक सेल मिलेगा. ओके, सो इन दिस वे द बॉडी ऑफ द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 parts. फर्स्ट इज न्यूसेलस, जिसके अंदर में एक सेल रखा हुआ है या एम्ब्रियो सैक रखा हुआ है. दूसरा बैक पोर्शन विच इज कॉल्ड अ चालजा. टू लेयर्स आर कॉल्ड इंटीग्यूमेंट. देन एंट्री पॉइंट फॉर द पोलन ट्यूब इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. एंड नेक्स्ट इज अ एम्ब्रियो सैक. Now next we will talk about this body part of the ovule one by one. तो पहला हम देखते हैं about the nucellus. Nucellus represent megasporangium. ठीक है, ये ovule का कौन सा हिस्सा है, megasporangium का हिस्सा है. और ये किससे बना हुआ है, तो इसके जो cell है वो 2N cell है, diploid cell है, या फिर हम इसे कहेंगे diploid parenchymatous cell. बेसल पार्ट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड अ चालजा. ठीक है, न्यूसेलस का बेसल यानी डॉर्सल हिस्सा इज कॉल्ड अ चालजा. ठीक है, और चालजा से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल का आगे का हिस्सा 2 layer में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो 2 layer बनती है दैट इज कॉल्ड अ इंटीक्यूमेंट्स. ओके, जिसने न्यूसेलस को सराउंड यानी राउंड अप करके रखा हुआ है. ओके, बाकी पोर्शन इसका बाउंडेड है, ऊपर का जो खोला एंड है दैट इज कॉल्ड अ चालजा. ओके, इसके बाद में हम ये देख रहे हैं गैप, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. इंटीग्यूमेंट जो है वो दोनों तरफ से सराउंडेड नहीं है या दोनों तरफ से बंद नहीं है, तो इंटीग्यूमेंट जो है वो दोनों इंटीग्यूमेंट आपस में जुड़ नहीं रहे.
जिस वजह से वहाँ पे एक गैप क्रिएट कर हो रहा है एंड दैट गैप इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. ठीक है. सो एज इंटीग्यूमेंट डू नॉट कम्प्लीटली कवर द न्यूसिलस देयरफॉर देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इज क्रिएटेड एंड दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस माइक्रोपाइल? तो माइक्रोपाइल ही वो जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ पे होगी? ओव्यूल में होगी, पहली चीज. और जब ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में हो जाएगा तो उस समय ये माइक्रोपाइल का एंट्री पॉइंट वैसे ही रहेगा. और ये सीड को जब हम पानी में डालेंगे तो उस समय ये वाटर को उसी एंड से एब्जॉर्ब करेगा, तो वो रहेगा माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल प्लेज हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, फिर हम देख रहे हैं ये मेन स्ट्रक्चर. दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओव्यूल, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है. सो अगर ओव्यूल मैच्योर है, न्यूसेलस इसका कैसा रहेगा? ओवल शेप रहेगा. ठीक है. और ये जो एंड है जहाँ पे माइक्रोपाइल है, इसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड. ओके. और जो अपोजिट साइड है उसे हम कहेंगे चार्ल्ज़ा एंड. और माइक्रोपाइल एंड पे मैक्सिमम तौर पे ये ओव्यूल सैक प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. अब ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है, अब इसको मैं क्लियर बताती हूँ. जिस फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर में आपको कितने सेल दिख रहे हैं? ये एंड पे हमें 3 सेल दिख रहे हैं, ये एंड पे हमें 3 सेल दिख रहे हैं, और बीच में हमें 1 सेल दिख रहा है. ठीक है. तो टोटल हियर देयर आर 8 सेल. इसे कहते हैं स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड 8 सेल एंड सॉरी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर. ओके. यहाँ पे हमें कितने सेल दिख रहे हैं? 3 एट वन एंड, 3 एट अदर एंड, एंड 1 एट मिडल. दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ 7 सेल. कितने सेल है? 7. लेकिन बीच में जो न्यूक्लियस है वो 2 है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ 8 न्यूक्लियर. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. ओके. नेक्स्ट इज अबाउट द एग एपरेटस. देर इज अ 3 सेल्स एग एपरेटस लाइंग एट द माइक्रोपाइलर एंड कंसिस्टिंग ऑफ मीडियन एग सेल, जिसे हम ऊस्पियर कहते हैं. ओके. अभी हम आगे जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल है, दिस आर कॉल्ड अ सिनर्जिड सेल. ये एसेसरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड अ सिनर्जिड सेल. और ये सिनर्जिड सेल जो रहेंगे वो चार्ल्ज़ा एंड के अपोजिट रहेंगे. ओके. तो चार्ल्ज़ा एंड के जो एंड पे जो सेल है 3, इसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल. माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल है उसमें से 2 सेल को कहेंगे हम सिनर्जिड सेल. उसमें का 1 सेल रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ एग सेल. ओके. और इसे हम मिडल वाले को कहेंगे पोलर सेल. ओके. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो स्टूडेंट, बिफोर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग सैक, हम पहले एक नज़र इस पर डाल देते हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल पे. मैंने आपको अब भी कहा था कि फ्यूनिकल का जो अटैचमेंट है ओव्यूल बॉडी पे, उसके हिसाब से ओव्यूल के कई टाइप्स हैं. तो यहाँ पे हम 6 टाइप ऑफ ओव्यूल देख रहे हैं. सो फर्स्ट इज कॉल्ड अ ऑर्थोफस ओव्यूल. दिस इज अ ऑर्थोफस ओव्यूल. ऑर्थोफस ओव्यूल मीन्स वॉट? इसमें हम देख रहे हैं दिस इज अ माइक्रोपाइल एंड, दिस इज अ चार्ल्ज़ा एंड. ओके. और फ्यूनिकुलस कहाँ गया? तो फ्यूनिकुलस यहीं पे है. ये रहा फ्यूनिकुलस यहाँ से आगे. ठीक है. फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल एंड, चार्ल्ज़ा एंड लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ये कैसे है? स्ट्रेट लाइन में है. तो ऐसे ओव्यूल को हम कहेंगे ऑर्थोफस ओव्यूल. ऐसे ओव्यूल हमें कौन से प्लांट्स में दिखते हैं? तो ऐसे ओव्यूल्स हमें उन प्लांट्स में दिखेंगे जिसकी फैमिली पॉलीगोनेसी या पाइपरेसी है. ओके. जैसे काली मिर्च, काली मिर्च की जो फैमिली है वो पाइपरेसी है, यानी काली मिर्च के जो फ्रूट्स है, या काली मिर्च खुद अपने आप में एक फ्रूट है, उसमें अगर हम माइक्रोस्कोपी स्टडी करेंगे तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ ऑर्थोट्रोफस ओव्यूल.
नेक्स्ट हम देखते हैं एनाट्रोपस ओविल, जो अभी हमने एक डायग्राम देखी थी वो डायग्राम किसकी है, एनाट्रोपस ओविल की, बिल्कुल यही डायग्राम देखी थी हमने। क्या देखा हमने, ये एंजियोस्पर्म प्लांट का कॉमनेस्ट टाइप का ओव्यूल है, इसलिए जब भी हमें ओव्यूल का टीएस ड्रॉ करने के लिए आता है तो हम उस समय एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल विच इज़ फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसमें हम देखते हैं कि माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चालजा, ये एक लाइन में नहीं है। हम देखते हैं माइक्रोपाइल और चालजा एक लाइन में है, ठीक है, बट फ्यूनिकल हमें नहीं दिख रहा है। तो व्हाट इज अ माइक्रोपाइल इज ऑन द लोअर साइड, ठीक है, फर्दर माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल लाए साइड बाय साइड, ठीक है, एंड इट इज़ क्लोज टू द हाइलम। माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के पास है। सो दिस इज अ नेक्स्ट कॉमन टाइप। थर्ड, हेमी एनाट्रोपस ओविल, दिस वन ये देख रहे हैं हम। हेमी एनाट्रोपस में हम क्या देख रहे हैं, न्यूसेलस एंड इंटीग्यूमेंट्स, ओके, आर एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है और हमने देखा कि ये जो है ये न्यूसेलस है और ये इंटीग्यूमेंट है। ये इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस कैसे है, फ्यूनिकल को राइट एंगल में, ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट, कैम्फिलोट्रोपस, ठीक है, दिस इज अ कैम्फिलोट्रोपस टाइप ऑफ द ओविल। हियर माइक्रोपाइल इज नॉट इन अ लाइन विथ चालजा एंड फ्यूनिकल। हम देख रहे हैं माइक्रोपाइल इस डायरेक्शन में जा रहा है, देन चालजा इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यूनिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। That means micropyle, chalza and funicle, they are not in a common line. Dekha jaye to they lies at a right angle to the chalza. Okay? So this is mainly available in the family Capridaceae and Cynopodiaceae. Next is Amphitropus ovule. Amphitropus ovule thoda curve rahega. Theek hai? Jaise dekhenge embryo sac. Assume like a horse shoe shape. This is a question. ठीक है, question of the NEET कि कौन से टाइप का ओविल में हमें हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो दैट इज अ एम्फीट्रोपस ओविल। इसकी फैमिली कौन सी है, पेपावरेसी, एलिस्टमेटेसी एंड ब्यूटेमोसी। ओके, पेपावरेसी मीन्स ओपियम की जो फैमिली है that belongs to amphitropous ovule. Here the ovule is in the horseshoe shape pattern. Next is circinotropous ovule. In this case the funicle takes a complete round around the body of the ovule. यहाँ पर देख रहे हैं ये funicles ने पूरा round ले लिया है। अब यहाँ पर chalza end है और यहाँ micropyle है, ठीक है, complete round ले लिया है अराउंड द ओविल। सो सच टाइप ऑफ ओविल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ द ओविल स्ट्रक्चर। फैमिली इज कैक्टासी, यानी कैक्टस के प्लांट की फैमिली, एंड ओपुंशिया। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओविल स्ट्रक्चर वी हैव सीन, ऑर्थोपस ओविल जिसमें माइक्रोपाइल, चालजा, फिनिकल एक लाइन में, ठीक है, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में हमने देखा कि हाइलम और माइक्रोपाइल एंड पास है, फ्यूनिकल और चालजा, सॉरी माइक्रोपाइल और चालजा एक लाइन में पर फ्यूनिकल उसके साइड में। हेमी एनाट्रोपस में हमने देखा कि न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स दे आर राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, ठीक है। देन कैम्फिलोट्रोपस ओविल में हमने देखा कि यहाँ पे जो फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है और चालजा, दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, जबकि जो फ्यूनिकल और चालजा दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। एम्फीट्रोपस में हमने देखा कि जो ओविल स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ हॉर्स शू शेप टाइप, ओके। एंड लास्ट इज सर्सिनोट्रोपस ओविल जिसमें हमने देखा कि फ्यूनिकल ने कम्प्लीटली राउंड ले लिया है अराउंड द
ओविल. सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ ओविल. लेकिन आपको जब भी TS पूछा जाए तो उस समय में कौन सा मेनली यूज ड्रॉ करना है, दैट इज एनाट्रोपस ओविल. क्यों यही मेनली ड्रॉ करना है? बिकॉज मैक्सिमम प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली दे एंजियोस्पर्म प्लांट जितने भी है दे शोज एनाट्रोपस ओविल पैटर्न एंड रेस्ट ऑफ आर रेयर. सो स्टूडेंट आई हैव दिस वेरी गुड चार्ट. इसको आप अपने बुक में ड्रॉ कर लीजिए. इट इज़ अ शॉर्ट असेस कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. तो हमने क्या देखा, ओविल. ओविल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फ्यूनिकल यानी स्टॉक जो था उसे हमने फ्यूनिकल कहा, और दूसरा हिस्सा जो था दैट इज़ कॉल्ड बॉडी. फ्यूनिकल यानी क्या है, स्टॉक क्या काम करता है, सपोर्ट टू द ओविल, और ओविल को अटैच करता है किसके साथ में, प्लासेंटा के साथ में. ठीक है, बॉडी में हमने 5 पार्ट्स देखे. ठीक है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, इसको हमने डिवाइड किया, दैट्स वाई इट इज 6. अदरवाइज वी हैव सीन द 5 पार्ट्स. पहला था न्यूसेलस. ठीक है, न्यूसेलस यानी क्या, मेगास्पोर मदर सेल, जो हमेशा कौन सा रहेगा, 2N पैरेन्काइमेटस सेल. देन नेक्स्ट इज इंटीग्यूमेंट, तो दो लेयर बनाई थी. ठीक है, जिसमें ओवल एग एपरेटस एनक्लोज है, न्यूसेलस एनक्लोज है, दैट इज कॉल्ड अ इंटीग्यूमेंट. फिर ओपनिंग जहाँ से ओविल एंटर होता है दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. ठीक है, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे, जो ओपन एंड है दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. फिर हमने देखा चार्लजाइन, द पॉइंट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज कॉल्ड अ चार्लजाइन, और चार्लजाइन से ही इंटीग्यूमेंट अराइज हो रहा है. देन हाइलम, हाइलम इज अ पॉइंट वेयर फिनिकल अटैच टू द ओविल बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ हाइलम. देन वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में ये जो पॉइंट है वो हाईली इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड. 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है. ओके, अब ये जो पार्ट है एक सैक, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3, जो आगे हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ना है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल जो एक एंड पे थे, जिसे हमें कहा एंटीपोडल सेल. 3 सेल दूसरे एंड पे थे, जिसे हमने कहा सिनर्जिड सेल एंड एक सेल, और बीच में 2 सेल थे जिसे हमने कहा पोलर सेल. ठीक है, तो एंटीपोडल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 सेल टूअर्ड चार्लजा एंड. एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 सेल टूवर्ड्स अ माइक्रोपाइल एंड, जिसमें से 2 जो है उसे हमने सिनर्जिड सेल कहा और एक को एग एपरेटस का एक सेल का. और सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज सेंट्रल बायोन्यूक्लिएटेड सेल. सो बिफोर एंडिंग दिस क्लास जस्ट ओवरलुक ऑन द फंक्शन ऑफ द पार्ट वी हैव स्टडी. ठीक है, तो जो जो अभी हमने पार्ट देखे उसका हमें फंक्शन स्टडी करना है. फर्स्ट है फ्यूनिकल. ओके, फ्यूनिकल जो हमने स्टॉक देखा, इसका काम क्या था, इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो किसको अटैच करता है, ओविल बॉडी को भी अटैच करता है. किससे अटैच करता है, तो प्लेसेंटा से अटैच करता है. ओके, दूसरा पोर्शन हमने देखा दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस. न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है. यही आगे जाके डिवाइड हो गए और क्या बनाएंगे, एग एपरेटस बनाएंगे. नेक्स्ट इज इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स हमने देखा कि 2 लेयर है, इसका काम है अंदर के हिस्सों को प्रोटेक्ट करना, और फर्टिलाइजेशन के बाद में यही इंटीग्यूमेंट जो है वो आगे चल के सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं. नेक्स्ट हमने देखा माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल वो हिस्सा जहाँ पे इंटीग्यूमेंट जुड़ नहीं पाए और इसके कारण वो हिस्सा ओपन रह गया, दैट इज़ कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल का काम क्या है, इट अलाउज द पोलन ट्यूब टू एंटर इनसाइड द ओविल. नेक्स्ट इज चार्लजाइन. चार्लजाइन है जहाँ से इंटीग्यूमेंट अराइज हो रहा है, और माइक्रोपाइल का अपोजिट हिस्सा दैट इज कॉल्ड अ चार्लजा. हाइलम, हाइलम इज व्हाट, हाइलम इज अ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओविल. ओके, दैट इज कॉल्ड अ हाइलम. यहाँ पे चार्लजा लिखा हुआ है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट रहेगा द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओविल, दैट इज कॉल्ड अ हाइलम. देन सिनर्जिड सेल. सिनर्जिड सेल जो हमने देखा माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल है,
जिसमें से दो सेल सिनर्जिड और एक सेल एक सेल, ठीक है, एक सेल क्या रहेगा, एग सेल, EGG एग सेल। तो सिनर्जिड सेल का काम क्या है, सिनर्जिड सेल का काम है जो पोलन ट्यूब एंटर होगा तो उसके टिप को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, जिसके कारण उसकी टिप बस्ट हो जाए और मेल गैमेट रिलीज हो जाए। नेक्स्ट इज एंटीपोडल सेल। देखा जाए तो एंटीपोडल सेल का इतना रोल समझ में नहीं आया अभी तक, बट इट इज़ सेड दैट कि एंटीपोडल सेल जो बन चुके हैं दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिटिव इफेक्ट, ठीक है, और बाद में ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक सेल। एक सेल जो रहेगा जो सिनर्जिड सेल के साथ में है, वो सेल फ्यूज होगा एक मेल गैमेट से टू फॉर्म अ जाइगोट। और जो बीच में दो सेकेंडरी सेल रखे हुए हैं उसका काम क्या है, तो ये सेकेंडरी सेल दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज हो गए टू फॉर्म अ एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड अ TPN, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके सो डियर स्टूडेंट, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है। आज सिर्फ नाम पढ़ लीजिए आप, ओके? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, हमने आज के लेक्चर में फीमेल गैमेटोफाइट स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि इसके दो हिस्सा है, एक है स्टॉक जिसको हमने कहा फिनिकल, दूसरा है ओविल बॉडी। और ओविल बॉडी में हमने देखा कि जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे न्यूसिलस, एंटीगुमेंट, माइक्रोपाइल, चाल्जा, हाइलम, ओके, देन एग एपरेटस, ये जितने भी पार्ट प्रेजेंट है हमने उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखा कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने उसका फंक्शन देखा और फ्यूनिकल का किस तरीके से अटैचमेंट ओविल पे, इस हिसाब से हमने उसके टाइप्स देखे। सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली, सो बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे and happy learning.